हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीडियोस पॉकेट। मैं हूं अमित। तो और आज मैं आपको जो नेक्स्ट मनी के बारे में बताने वाला हूं, वो काफ़ी बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे नेक्स्ट मनी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको किसी ने व्हाट्सएप पे ऐसा लिंक शेयर किया है जो जिन्होंने आपको शेयर किया है, एक रेफरल इस तरह का आपका एक कोडिंग होगा, तो इस लिंक को जो आप टच करेंगे तो वो सीधा आपको नेक्स्ट मनी के इस तरह गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या डाउनलोड करना हो तो यहाँ गूगल प्ले में आप अगर सर्च करते हैं नेक्स्ट मनी, देखिए यहाँ आ गया पहले ही, तो इसको भी आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर सकते हैं, चाहे लिंक को भी करेंगे तो सीधा वहीं लेके जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे लेके जाएगा। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कि यू आर नॉट लॉग इन, मतलब आप लॉग इन नहीं हैं, प्लीज़ लॉग इन फर्स्ट, पहले लॉग इन होइए। तो लॉग इन होने के लिए क्या है, आपको पहले अपना आईडी को बनाना पड़ेगा। तो आईडी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो लॉग इन, अगर आप इसके मेंबर हैं तो लॉग इन हो जाइए, दूसरा है जो आप साइन अप हो जाइए। तो साइन अप होने के लिए न्यू मेंबर है तो साइन अप होना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें रेफरल नेम जो होगा वो देना पड़ेगा, जिन्होंने आपको आईडी दिया है, जोड़ने के लिए बोला है, जो आपके ऊपर जो क्लाइंट होंगे उनको, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, और पे आपका फुल नेम, पैन कार्ड, ये सब सारा चीज़ है, पासवर्ड। तो चलिए मैं एक एक करके मैं शुरू करता हूँ रेफरल में। आज तो ए राज को लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चेक का ऑप्शन आ रहा है, तो चेक को क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक कंफर्म योर रेफरल, मतलब आप जिससे जुड़ना चाहते हैं उनका एक छोटा सा डिटेल आया है। तो आपको ये आपको एक होना चाहिए कि आप ये शख्स से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। तो पहला नाम देख लीजिए, फ़ोन नंबर देख लीजिए, आपको लगे कि हाँ ठीक है इनसे मैं जुड़ना चाहता हूँ तो कन्फर्म कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में जो आपको फ़ोन नंबर होगा वो डालना है, ठीक है, आप अपना फ़ोन नंबर डालिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका ईमेल आईडी, उसको ईमेल आईडी आपको डालना है। जैसे आप ईमेल आईडी अपना डालेंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना खुद का एक यूज़र नेम बनाना होगा। तो यूज़र नेम बनाने के लिए, खुद का यूज़र नेम बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना कुछ देना है, जैसे कि मैं ए राज करके दिया, ये देखिए यहाँ पे सॉरी यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल। तो अवेलेबल इसलिए नहीं कह रहा है क्योंकि ये किसी ने बना रखा होगा। तो इस राज को मैं हटा के डबल जे देता हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया था एक बार, देखिए डबल जे भी नहीं किसी बना रखा है किसी ने, तो डबल जे हटा के मैं एक बार जी एक बार जेड देता हूँ, एक बार जे दिया और एक बार जेड दिया। तो ऐसे दो तीन बार करके आपको देखना है, तब जाके आपको देखना पड़ेगा कि आपका ये कंफर्म, जब आपको कह देगा कंग्रेचुलेसन योर यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, यहाँ ग्रीन बन जाएगा तो समझिए इस नाम का किसी ने नहीं बनाया है उसका। चलिए यहाँ फुल नेम देना है आपको, अपना अपना फुल नेम दीजिए। फुल नेम देने के बाद आपका नेक्स्ट में आता है आपका मिनिमम जो है 8 करेक्टर के होने चाहिए, और ये आपका जो टर्म कंडीशंस है, जैसे कि आपका जो है एक न्यूमरल होना चाहिए, एक स्पेशल करेक्टर के होना चाहिए, ये सब सारा इसमें आपको फिल करना होगा। पासवर्ड दे दीजिए, मैं इस वीडियो को थोड़ा देर पॉज करता हूँ क्योंकि पासवर्ड आपको खुद बनाना है। एरर क्या कह रहा है, मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड, सॉरी इस मोबाइल को मैंने यूज़ कर लिया है तो मुझे चेंज करना होगा, मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है। तो चलिए फिर से मैं साइन अप करता हूँ, सेम प्रोसेस है, मोबाइल नंबर को मैंने चेंज किया। अब उस नंबर पे क्या है, ओटीपी आया होगा आपको, जैसे ही आपको ओटीपी मिलेगा देख सकते हैं ये ओटीपी है, जैसे आप ओटीपी आपको मिलता है, ओटीपी यहाँ पे पुट करें, 4 अंक का यानी 4 अंक का आपको ओटीपी मिलेगा। उसके बाद आपको अपना जो अपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया है वो डालना है,
ये डाल दीजिए अपना। ये देखिए जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का जो है आपको ऑप्शन आएगा, इस तरह का आपका जो फ्रंट पेज है, जो आपका पहला पेज जो फ्रंट का आएगा वो इस तरह आएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ शॉपिंग है, रिचार्ज है, बिलिंग है, विड्रॉल है, वॉलेट है, बुकिंग है, मर्चेंट है, और यहाँ पे ऑफ़र एंड टाई अप्स है। मैं एक एक करके सब पे ले जाता हूँ आपको। यहाँ देखिए ऑफ़र एंड टाई अप्स जो लिखा है यहाँ पे क्या है, जो एफिलिएट मार्केटिंग्स होते हैं जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो, जबंग, आप यहाँ से कुछ भी, यहाँ से आप कुछ भी परचेज करते हैं, कुछ भी परचेज करते हैं तो उसका परसेंटेज आपको कैशबैक मिलेगा। वो कैसे मिलेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे डाउन में एक प्लस का सिंबल दिया है। इस प्लस के सिंबल पे जाएंगे और जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं जैसे कि अमेजोन से आप परचेज़ किए, यहाँ पे विजिट का ऑप्शन देख रहे हैं, विजिट पे जाएंगे तो आप सीधे आपको ये वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ से आप अमेजोन से कोई भी सामान खरीदने के बाद जब वो सामान आपके घर पर आता है तो उसका एक बिल होगा, वो बिल इस पर आपको फ़ोटो खींच लेना है। पहले तो बिल का फ़ोटो ले लेना है, फ़ोटो लेने के बाद आपको उस पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर चूज़ फ्रॉम जो लाइब्रेरी दिया है उस पर क्लिक करेंगे, वो सीधे फ़ोटो पे ले जाएगा। और जब वो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा ऊपर में, आप जो बिल स्टेटस देखें ये बिल स्टेटस पे आपको शो करेगा कि यहाँ पे आपने बिल अभी दिया है। लेकिन टाइम लगता है, 15 दिन लगेगा लगभग, क्योंकि कैश बैक भी आपको जो देता है, तो क्योंकि अमेजोन फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं तो उसका एक पॉलिसी रहता है, 15 दिन का रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह रहता है, इसलिए वो भी कंपनी भी क्या कर दी है 15 दिन और 20 दिन का टाइम लेती है तब आपको कैशबैक मिलता है। मेरे रिचार्ज पे जाएंगे तो अभी आप देख रहे हैं अपग्रेड मेंबर्स के लिए कह रहा है मेंबरशिप लेना होगा, शॉपिंग के लिए जाएंगे मेंबरशिप लेना होगा। तो चलिए मेंबरशिप कैसे लेते हैं, यहाँ देखिए पे मर्चेंट में जाएंगे मेंबरशिप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल दिया है, इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने पहले पर्सनल डाटा भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या पर्सनल करना है, फिल एडिट में जाएंगे सारा चीज़ आप फिल कर सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं, सारा चीज़ आप फिल कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल डाटा है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन आया है, अपग्रेड के ऑप्शन में आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा भी है कि आप जो है वंस यू अपग्रेड योर अकाउंट, मतलब पहले जो आप अकाउंट अपना जो अपग्रेड करेंगे यू विल बी रिवार्ड विथ 15 रिवार्ड पॉइंट्स, मतलब कि आपको जो है 15 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे टू यूज़ इन रिचार्ज, शॉपिंग, लोकल मर्चेंट एंड सर्विसेज एंड ऑल ऑनलाइन सर्विसेज, मतलब कि जो सर्विसेज जो दे रही है रिचार्ज का, शॉपिंग का, लोकल मर्चेंट का, तो वो सर्विसेज जो है ऑल ऑनलाइन जो सर्विसेज है उसमें आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ कैसे करेंगे, उसमें सभी पैसा एक बार यूज़ नहीं होगा, आप जैसे 100 रुपये का रिचार्ज कर रहे हैं तो उसमें 4 रुपया, 5 रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो 15 रुपया, 10 रुपया ऐसे करके उसमें से कटता रह जाएगा। वो भी एक अमाउंट ही है लेकिन वो डिजिटल अमाउंट है, वो एक बार में नहीं कटेगा, धीरे धीरे उसमें से कटेगा। तो ये 1700 रुपये जो आपको लग रहा है तो उसमें से 1500 रुपये तो आपके अकाउंट पे ही आ जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पे फिल करना है आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एज, फिर नॉमिनी का रिलेशन क्या है आपका, फिर एरिया का पिन कोड, और यहाँ बॉक्स दोरे जो यहाँ पर देख रहे हैं दे रखा है तो वो बॉक्स पर आपको क्लिक करना है, और वो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो अपग्रेड कब करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप जब इसमें आते हैं तो आप देखते हैं वो यहाँ पे एक पीले रंग का ऑप्शन दे रखा है, पीले रंग का ऑप्शन में जब जाते हैं वॉलेट में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड मनी का ऑप्शन दे रखा है। तो ऐड मनी के ऑप्शन में जब जाते हैं तो यहाँ देखिए 17070 रुपये यहाँ पर दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे और ऐड मनी करेंगे। ऐड मनी करने के बाद पे यू मनी में जाएंगे, पे यू मनी में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं UPI है, नेट बैंकिंग है, तो आप मान के चलिए UPI से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो जो आपका UPI का जो नंबर होगा फ़ोन नंबर वो इस पे डालेंगे, और वो डालने के बाद वो पैसा जो है सीधा आपके कहाँ आएगा, आपके इस वॉलेट में जमा हो जाएगा। यहाँ जो इसका वॉलेट है ना, योर बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है, यहाँ पर दिखाएगा 17700। जब यहाँ पे ये दिखा देगा तो आपको बस सिंपली अपग्रेड पे जाना है, अपग्रेड पे जाने के बाद इसको सारा फिल करना है, इस बॉक्स को क्लिक करना है और अपग्रेड नाउ जैसे ही करेंगे बस ये 1770 रुपये कट जाएगा, और 1770 रुपये कटने के बाद आपका सारा पैसा जो है, सारा पैसा मतलब जो 1500 रुपया जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस रिवार्ड पॉइंट में यहाँ पर शो करेगा 1500, और ये 50 रुपया जो दिया है आपको एक्स्ट्रा
तो 1550 रुपये ये शो करेगा और 270 रुपया तो वो आपके जो क्लाइंट ऊपर हैं सीनियर उनको चला जाएगा, ठीक है, वो बिजनेस पॉलिसी है। और मैंने शॉपिंग का तो बता ही दिया, ये बिलिंग का है जो आप बिल वगैरह इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह करेंगे उसका है, ठीक है, विड्रॉल वगैरह आप करते हैं उसका है, मर्चेंट वगैरह करते हैं ये सब, जो ये तभी काम करेगा जब आप इसका KYC जो कर लेते हैं तो ये सारा सिस्टम काम करेगा। यहाँ पे देखिए आप डोमेन होस्टिंग भी करना चाहते हैं ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर कोई समस्या आपको होती है, आपको लग रहा है कि फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है साइनअप करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और नेक्स्ट मनी के रिगार्डिंग भी कोई भी समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालें, मैं उस समस्या को ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। बाकी मुझसे जितना मैं सरल भाषा में बना सकता था मैंने बनाया, फिर भी आपको समस्या आ रही है तो मैं फिर से कह रहा हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर 100% करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू मेरे दोस्त।